नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। देश के सम्मान के लिए मोदी को दोबारा लाएं। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी वरुण गांधी दिल्ली से हेलीकॉप्टर द्वारा पीलीभीत पहुंचे। अभी कुछ देर बाद श्री वरुण गांधी अपना नामांकन कर आएंगे, लेकिन मजे की बात तो यह रही कि श्री वरुण गांधी के पहुंचने पर एक भाजपा विधायक को छोड़ बाकी कोई भी वहां मौजूद नहीं था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि पिछले 5 साल में देश के सम्मान उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए काम किया गया है। देश के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए मोदी को दोबारा लाना जरूरी है। राजनीति जो है ये आसान नहीं है। मेरी बेटी 4 साल की है। आज सुबह जब मैंने उसको हम लोगों को अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता, लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि हमारे दिल में देश के लिए एक सपना है। हमारे लिए एक सपना है, हमारे लिए देश के लिए सपना है। जब परम आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, संगठनकर्ता और 5 साल पहले देश में एक असमंजस और दिशाहीनता का माहौल था। हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको एक दूरदृष्टा, ईमानदार और राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मिले, और जिन्होंने अपने लिए कुछ ना चाह के देश के हर क्षेत्र में ऐसा काम किया कि आज भारत विश्व गुरु बनने के पटल पे बिल्कुल है। हम नौजवान, देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को और सशक्त करें, ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति अपना सिर उठा के जी सके, ताकि अगली पीढ़ी का भविष्य तय हो सके, ताकि जो काम 5 साल में किया है वो अगले पायदान पे जाके हमारे देश के मान सम्मान को बढ़ाए और हमारे देश को पूरे दुनिया में नंबर एक स्थान पे हर क्षेत्र में जाके छोड़े। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा जो है यहाँ पे भी और हर क्षेत्र में, वो ये है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक बहुत लंबे अरसे के बाद देश को मिला है, जिनके बारे में हम गौरवान्वित हो सकते हैं, जिनके बारे में हम छाती चौड़ी करके ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री है। मेरे चुनाव में और 545 चुनाव में मुद्दा देश के नेतृत्व का है, और मैं एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में उनका झंडा लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। धन्यवाद।